أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين صدق الله العظيم। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बे इंतहा फ़ज़्ल व करम, बड़ा एहसान हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को एक अहम फरीदा इशा की नमाज़ जमात के साथ अदा करने की तौफीक अता फ़रमाई, और इसी तरीक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को थोड़ी देर बैठ कर क़ुरान मजीद के मुख्तसर तफसीर सुनने का मौका नसीब फ़रमाया। जिन आयतों की तिलावत की गई है ये सूरतुल वाक़िया की आयतें हैं। गुज़िश्ता ये मज़मून बयान किया गया था, क़ुरान की हक़ानियत को बयान किया गया था कि क़ुरान मजीद जो है ये बड़ी रुतबे वाली किताब है जो लोहे महफूज के अंदर दर्ज है, और इस कलाम पाक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है अपने कलाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्रील के ज़रिए नाजिल फरमाया, और इसी तरीके से इस क़ुरान मजीद जो सबसे पाकीज़ा क़ुरान है, पाकीज़ा कलाम है, इस कलाम को इनकी आयतों को जो है बग़ैर वज़ू के छू नहीं सकते, बग़ैर नापाक है तो उसको छू नहीं सकते, अगर वज़ू भी नहीं है तो इसको छू नहीं सकते। इस क़ुरान को छूने के लिए, इस क़ुरान की आयतों को छूने के लिए पाकी का हासिल करना भी ज़रूरी है और बावज़ू होना भी ज़रूरी है। अगर पाकी हासिल नहीं है तो हिफ्ज़ के तौर पर भी तिलावत नहीं कर सकता, और अगर इसी तरीके से पाकी है लेकिन सिर्फ़ वज़ू नहीं है तो हिफ्ज़ के तौर पर सूरत वग़ैरह पढ़ सकता है लेकिन क़ुरान की आयतों को छू नहीं सकता। फिर फरमाया गया कि क़ुरान मजीद रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा है, यह किसी शैतान के ज़रिए उतारा हुआ कलाम नहीं है कि कोई शैतान लेकर आ गया हो, जो है शैतान इससे बेबस है, शैतान कलाया हुआ नहीं है बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नाजिल करदा क्या है, कलाम है। मुशरिकीन क्या करते थे, इस कलाम मजीद को झूठलाया करते थे। वतजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लिया था कि कुरान को झूठलाते हैं। बस ये कि जो जब भी कुरान का पैगाम उनके सामने आता था तो मुशरिकीन मक्का अक्सर कहा करते थे ये तो जादूगरी है, ये तो काहिनों का कलाम है, मोहम्मद ने गढ़ लिया है, तरह तरह के जुमले कसते थे। तो बहरहाल जो है इस तरीके के जुमले का कहना गोया कि उसके दिल के अंदर ईमान नहीं, और इसी तरीके से जो है काफिर लोगों का ये अकीदा था कि जब हम जिन दुनिया में आ गए तो अब हम मरने के बाद दोबारा ज़िंदा नहीं किए जाएंगे। कुरान मजीद के अंदर दूसरी आयतों के अंदर भी इसको बयान किया गया कि वो दोबारा ज़िंदा होने पर ईमान नहीं रखते थे, मानते नहीं थे इस चीज़ को कि हम दोबारा ज़िंदा होंगे, और इसी तरीके से जो है हद से ज़्यादा वो नाफरमानियाँ करते ही जाते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है नज़ा की हालत की कैफियत के बारे में, उसके आजिज़ी के बारे में आगे तज़किरा कर रहे हैं। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, फलौला इदा बलगतिल हुलकूम, बस जब रूह हलक तक पहुँच जाती है, बस जब रूह जो है हलक तक पहुँच जाती है, व अंतुम हीनइज़िन तंदुरून, और उस वक्त तुम उसको देख रहे होते हो। जब रूह हलक तक पहुँच जाती है, इंसान हालत नज़ा में होता है, सकरात में होता है, उसके रिश्तेदार करीबी लोग क्या है वहाँ पर बैठे हुए होते हैं और उसको देख रहे होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ज़िंदगी दी है, फरमाया कुरान मजीद के अंदर दूसरे मकाम पर, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने ज़िंदगी और मौत इसलिए पैदा की ताकि इंसान को इसके अंदर आजमाएं, जो अच्छे आमाल करेगा मरने के बाद जो है उसको अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, जन्नत मिलेगी, और जो बुरे आमाल करेगा वो जहन्नम के अंदर क्या होगा, दाखिल होगा। तो अल्लाह ने ज़िंदगी को भी पैदा किया है, मौत को भी पैदा किया है, तो जो है ये ज़िंदगी मौत किस लिए दी गई है, इम्तिहान के लिए, आजमाइश के लिए। जब तक ज़िंदगी अच्छे आमाल कर लें, मौत आ जाएगी तो अच्छे आमाल करने का कोई भी मौका नहीं है। तो एक ईमान वाला तो ये अकीदा रखता है, एक ईमान वाला एक सच्चा मुसलमान तो ये अकीदा रखता है कि हम इस दुनिया के अंदर इम्तिहान के लिए आए हैं, एक वक्त आएगा अब हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर दोबारा जो है हमारे जिस्म के अंदर रूह को डाला जाएगा, दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, फिर जो है हिसाब किताब होगा, और अच्छे आमाल वाले जन्नत में जाएंगे, बुरे आमाल वाले जहन्नम में जाएंगे। ये ईमान वालों का ये अकीदा होता है।
लेकिन काफिर लोगों का अकीदा क्या होता है, बस यही दुनिया की ज़िंदगी है, खा लो पी लो ऐश कर लो मस्ती कर लो मौज कर लो, बस यही, मरने के बाद कौन देखने का, कुछ होने वाला नहीं। ये अकीदा जो होता है उन लोगों का होता है जो नाफरमान है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है नज़ा की कैफियत को बयान कर रहे हैं कि ख़ास तौर पर उन नाफरमानों को इसके अंदर ख़िताब है, और उमूमियत इसके अंदर सब आ गए हैं, ख़ास तौर पर वो नाफरमानों को ख़िताब है। फ़लौला इदा बलगतिल हुलकुम, बस जब रूह हलक तक पहुँच जाती है, व अंतुम हीना इदिन तंदुरून, और तुम उस वक्त देख रहे होते हो, तकते रहते हो उसको। हर इंसान, अक्सर इंसान ये चाहता है कि हमारा जो रिश्तेदार है, जो नज़ा की हालत में है, सकरात की हालत में है, मोमिन तो ये चाहता है कि इसकी रूह आसानी से निकल जाए, ईमान के ऊपर जाए, लेकिन उसकी भी जो है अंदर से चाहत ये होती है, अगर बाप हो या माँ हो, और जो है इसकी ज़िंदगी होती, और जो है कुछ हल्की सी बीमारी होती है या कोई बड़ी बीमारी होती है, दुनिया के कितने चक्कर लगाते हैं कि भाई इसकी जान बच जाए। एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि इंसान अपना घर बार सब बेचकर जो है इसके इलाज के लिए देने के लिए तैयार हो जाता है, यहाँ तक कि डॉक्टर से भी कह देता है कि आप जितना भी आपकी फ़ीस हो, जितना भी आपका खर्च हो, हम देने के लिए तैयार है, बस इसकी जो है इसकी जान को क्या कर दो, बचा लो। तो इस तरीके के आदमी जो है आदमी कोशिश करता है। तो फरमाया गया कि जब रूह हलक तक पहुंच जाए और उस वक्त तुम देखते रहते हो, देखते रहते हो, तो क्या किसी इंसान की ताकत है कि जो है उस रूह को रोक ले, अभी ना जाए, रहे कायम दायम रहे, कोई रोक नहीं सकता। तो फरमाया गया कि जब रूह हलक तक पहुंच जाती है और तुम लोग उस वक्त उसको तकते रहते हो, देखते रहते हो, वनहनु अकरबु इलैहि मिनकुम वला किल्ला तुबसिरून, और हम उससे तुम्हारे मुकाबले में ज़्यादा करीब होते हैं लेकिन तुम देखते नहीं, यानी उस मुर्दे के हम ज़्यादा करीब होते हैं लेकिन तुम उसको देखते नहीं। तुम तो देख रहे हो अपने जो दुनिया से जाने वाला है, सकरात की हालत में तुम खड़े हुए हो, बैठे हुए हो, उस नज़ारे को देख रहे हो, उसकी कैफियत को देख रहे हो। अल्लाह कहता है कि हम तुम्हारे से भी ज़्यादा उस मुर्दे के जो जाने वाला उसे क्या है, करीब हैं, लेकिन तुम हमें देखते नहीं। अल्लाह क्या कहता है, लेकिन तुम हमें देखते नहीं। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ज़मान और मकान से पाक है, तो इसका यह मतलब नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला वहीं खड़े हों, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की सिफत इल्म को बयान किया जा रहा है कि तुम तो उसकी ज़ाहिरी सूरत को देख रहे हो, अल्लाह ताला उसकी बातिनी कैफियत से को भी जानता है। अल्लाह ताला क्या है, उसकी बातिनी कैफियत को भी जानता है, जैसा कि कुरान मजीद के अंदर दूसरे मकाम पर फरमाया गया, वलकद खलकनल इंसान वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हमने इंसान को पैदा किया है और इंसान के नफ्स के अंदर, इंसान के दिल के अंदर जो ख्यालात होता है, जो वो सोचता है, उसका मुझे क्या है, इल्म है। फिर आगे अल्लाह ने क्या बयान फरमाया, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम उसके शहरक से भी ज़्यादा करीब होते हैं। शहरक से भी क्या है, ज़्यादा करीब होते हैं। शहरक वो रग है कि अगर उसको काट दिया जाए तो इंसान का बचना क्या है, मुश्किल है। तो अल्लाह ताला शहरक से भी ज़्यादा करीब हैं, मतलब क्या है, सिफत इल्म। अल्लाह तबारक व ताला हमारे तमाम हरकात व सकानात, हमारे दिल में गुजरते हुए ख्यालात सब को अल्लाह तबारक व ताला खूब क्या है, जानने वाले हैं। यहाँ पर जो है फरमाया गया कि हम जो है उससे तुम्हारे मुकाबले में ज़्यादा करीब हैं जो सकरात की हालत में है, लेकिन यहाँ पर इससे मुराद सिफत इल्म है। लेकिन उससे भी ज़्यादा करीब अल्लाह तबारक व ताला की वो मखलूक होती है, जो फरिश्ते होते हैं रूह निकालने वाले, वो जो है देखने वालों से भी क्या होते हैं, ज़्यादा करीब होते हैं। मजाजी तौर पर जो है यहाँ पर जो है फरिश्तों को भी मुराद लिया गया है, फरमाया गया कि वो फरिश्ते हैं जो तुमको दिखता नहीं है। ये तो अल्लाह तबारक व ताला के जो इल्म जो है ऊंचा है, उसकी हर हरकत व सकानात को जानते हैं, उसके बातिनी कैफियत को जानते हैं, फरिश्ते भी वहाँ पर रहते हैं, तो वो फरिश्ते को भी तुम देखते नहीं हो और तुम्हें दिखते नहीं हैं। कुरान मजीद के अंदर दूसरे मकाम पर फरमाया गया है, वहुवल काहिरु फौका इबादी वहुवा युरसिलु अलैकुम हफजा, अल्लाह तबारक व ताला हर चीज़ पर गालिब है, वयुरसिलु अलैकुम हफजा, उसने तुम पर जो है फरिश्ते को क्या किया, मुकर्रर किए हैं, किरामन कातिबिन क्या है, इंसान के ऊपर मुकर्रर हैं। और आगे बयान फरमाया गया, हत्ता इदा जाअ अहदकुमुल मौतु तवफ्फतहु रुसुलुना वहुम ला युफर्रितून, जब तुम में से किसी का मौत का वक्त आ जाता है तो हम अपने फरिश्ते को भेजते हैं। अल्लाह क्या कहता है, जब तुम में से किसी के मौत का वक्त आ जाता है तो हम अपने फरिश्ते को भेजते हैं और वो फरिश्ते तुम्हारी रूह को निकालते हैं और जो है तुम्हें वफात देते हैं, तुम्हारी रूह को निकालते हैं, और वो जो है इसके अंदर बिल्कुल कोताही नहीं करते,
फरिश्ते क्या है इसके अंदर बिल्कुल कोताही नहीं करते। जैसा ऑर्डर मिलता है कि फलां आदमी का रूह निकालना है, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आते हैं और बंदों की क्या करते हैं, रूह को निकाल लेते हैं। आदमी के रिश्तेदार हैं, भाई की भाई पड़ा हुआ हो या उसके माँ बाप पड़े हुए हों या उसके कोई अहबाब और मुतअल्लिकीन और अजीज़ पड़ा हुआ हो, सकरात की हालत में हो, सब देख रहे हैं। फरिश्ते वहाँ पर रूह कब्ज़ा करने के लिए हाजिर हैं लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते। तो फरमाया गया कि जो तुम जो है इस जो है सकरात की हालत में जो मैत जो मरने वाला है तुम उसको देखते हो, हालाँकि तुम्हारे मुकाबले में हम उससे ज़्यादा करीब हैं लेकिन तुम देखते नहीं। दोनों तरह की बातें आपके सामने बयान कर दी गई। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया, फलौला इन कुंतुम गैरा मदीनीन, अगर तुम किसी के महकूम नहीं हो, अगर तुम किसी के महकूम नहीं हो, यानी तुम ये कहते हो ना कि जो अगर तुम किसी के कब्ज़े में नहीं हो, अगर तुम किसी के कब्ज़े में नहीं हो, जैसा कि काफिर लोग कहते थे कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा नहीं होंगे, तो उसका मतलब ये क्या कि मैं अपने जिस्म का कोई क्या हूँ, खुद मालिक व मुख्तार हूँ और हम मर जाऊंगा तो दोबारा ज़िंदा नहीं होगा, वो अकीदा उनका। तो अल्लाह कहता है कि फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, अगर तुम किसी के महकूम नहीं हो, किसी के कब्ज़े में नहीं हो, यानी तुम अल्लाह को के ऊपर यकीन नहीं रखते हो, तरजिउनहा इन कुंतुम सादिकीन, तो इनकी रूह को वापस कर लो अगर तुम सच्चे हो। अल्लाह क्या कहता है, इनकी रूह को वापस कर लो अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम किसी के कब्ज़े में नहीं हो, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना नहीं है तुमको, तो ये जो रूह इनकी निकलने वाली है इसको वापस लौटा दो। अगर तुम्हारे अंदर ताकत है कि इनकी रूह को वापस लौटा दो, जाने क्यों देते हो। इससे वो भी मुराद हैं कि जो मरने वाला आदमी अपने आप को ये कहता हो, अगर उसका ईमान नहीं है कि जो है हम मर जाएंगे तो दोबारा ज़िंदा नहीं होंगे, उनको भी एक पैगाम है कि जब तुम्हारा ये अकीदा है कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना नहीं है तो तुम मरते क्यों हो। रूह को अपने पास कंट्रोल में रखो, अपने कब्जे में रखो, जाने क्यों देते हो। जब तुम किसी के महकूम नहीं हो तो ये रूह कैसे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जो है तुम्हारा कोई हाकिम है, तुम महकूम हो लेकिन तुम इसको मानते नहीं हो, तकब्बुर करते हो। तो गोया के जो है नज़ा की हालत की बेबसी को बयान किया जा रहा है कि जो है फरिश्ते आते हैं, रूह कब्ज़ा करते हैं, सारे रिश्तेदार वहाँ पर देखते हैं, कोई रोते हैं और कोई कोशिश करते हैं कि इसको रूह ना निकले, फिर भी जो है उसकी रूह क्या होती है, निकल जाती है। तो गोया के एक जवाब है कि जब तुम्हारी रूह को निकाल दिया जाता है और तुम बेबस हो, अपनी रूह को रोक नहीं सकते, अपने कंट्रोल में कर नहीं सकते, तो समझ जाओ कि जो है जिस तरह रूह निकल जाती है, निकालने वाले ने निकाल दिया, इसी तरीके से जो है जिसने रूह निकाला है वो दोबारा भी उसी जिस्म के अंदर जो है रूह को डाल कर यह दोबारा क्या करेगा, ज़िंदा करेगा, दोबारा पैदा करेगा। गोया कि अल्लाह तबारक व ताला सिफत खलाकियत को ज़ाहिर कर रहे हैं कि जो है तुम कितना भी इनकार कर लो लेकिन जो है तुम आजिज़ हो, जिसने तुमको अव्वल मरतबे पैदा किया है वो तुमको दोबारा पैदा करने पर क्या है, पूरी तरह कादिर है। बस यहीं तक इंशाल्लाह आगे जो मज़मून रह गया है आइंदा बयान किया जाएगा। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जो है कुरान मजीद की हक्कानियत को समझने की तौफीक अता फरमाए, कुरान से करीब आने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जो है इस बात पर यकीन रखने की तौफीक अता फरमाए कि एक हमारी अभी ज़िंदगी है, मरेंगे, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होंगे। अल्लाह ताला उस दोबारा ज़िंदा होने पर भी अल्लाह ताला हमें यकीन नसीब फरमाए, ईमान नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने سنن سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله